अच्छा, माया स्त्री है कि पुरुष है? माया स्त्री है या पुरुष है? स्त्रीलिंग है, पुरलिंग है, माया क्या है? स्त्री है, माया क्या है? स्त्री है। और भक्ति क्या है? जोर से, भक्ति क्या है? स्त्री पुरुष, भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है। अच्छा एक बात बताओ, क्या स्त्रियां स्त्रियों को देखकर मोहित होती हैं? नहीं, स्त्रियों को स्त्रियां मोहित नहीं कर सकती। स्त्रियां पुरुष को और पुरुष स्त्रियों को, यहां मोह होता है। नारी ना मोह नारी के रूपा, नारी कभी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती, इंप्रेस नहीं होती, है ना? इसलिए माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। इसलिए जो भक्ति करेगा उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्त्री हैं। जो भक्ति करेगा उस पर माया का कोई प्रभाव, जोर से, जो भक्ति करेगा उस पर माया का कोई प्रभाव, क्योंकि दोनों स्त्री हैं, इसलिए एक दूसरे को वो इंप्रेस नहीं कर सकती। इसलिए भक्तों को माया नहीं परेशान करती। अच्छा, माया परेशान किसे करती है? अब देखो कि पुरुष कौन है। ज्ञान, ज्ञान कौन है? ज्ञान पुरलिंग है, स्त्रीलिंग है? ज्ञान कौन है? ज्ञान पुरुष है। ज्ञान कौन है? पुरुष। वैराग्य कौन है? जोर से। इसलिए अक्सर माया ज्ञानियों को परेशान कर देती है। ज्ञानी को माया क्या करती है? क्योंकि माया स्त्री है ना, तो स्त्री पुरुष को ही तो परेशान करेगी, उसी को तो जाके पकड़ेगी। तो माया ज्ञानियों को पकड़ लेती है। कौन से ज्ञानी? जिन ज्ञानियों के अंदर भक्ति नहीं होती। यदि भक्ति रूपी स्त्री का आश्रय ज्ञानियों ने ले रखा है, तो फिर स्त्री स्त्री से दूर रहती है, स्त्री स्त्री से दूर रहती है। तो माया, माया सगी ना मन सगा, सगा ना यह संसार। माया सगी नहीं है, इसलिए माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई। एक बार माधव कहे तो माया चेरी होए। इसलिए माया से बचना है तो माधव के आश्रित रहना पड़ेगा। किसके आश्रित रहना पड़ेगा? हाँ,